नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं कृष्णा और हम आज पढ़ने वाले हैं डेली की तरह आज भी करंट अफेयर के बारे में। तो आज तारीख है 31 अगस्त 2018। 31 अगस्त 2018 से संबंधित जितने भी करंट के क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने भी आप करंट के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे उतना कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो मेरे इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया गया है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। दोस्तों 1905 आते ही दिमाग में ख्याल आ जाता है कि 1905 को क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। तो ये आपको याद आ जाना चाहिए। तो 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। तो राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जी के याद में मनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद जी के बारे में जान लेते हैं। मेजर ध्यानचंद जी का जो पुराना नाम है केवल ध्यान सिंह था, उसमें चंद बाद में शब्द में बाद में जुड़ा है। तो उनका केवल पहले नाम था ध्यान सिंह, उनकी माता का नाम था शारदा सिंह, पिता का नाम था समेश्वर सिंह। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता समेश्वर सिंह जो थे वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जॉब करते थे। तो उन्हीं के साथ साथ ही 16 वर्ष की उम्र में ही मेजर ध्यानचंद जी अपना हॉकी के प्रति ज़्यादा रुझान इनके ऊपर था। वे रातों रात इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हॉकी की प्रैक्टिस करते थे। तो वो भी अंग्रेज़ों के साथ रहकर अंग्रेज़ों के लिए ही हॉकी खेलते थे। जैसे ही वो 16 वर्ष की उम्र हुआ तुरंत ही उनका धीरे धीरे होकर उनका सिलेक्शन हो गया था आर्मी में, और धीरे धीरे वो पद आ गया था मेजर का पद, उसको धीरे धीरे मेजर का पद मिल गया। तो दोस्तों जब वो 16 वर्ष की उम्र में थे तो वो अपना जो हॉकी का प्रैक्टिस करते थे वो रात को चंद्रमा की रोशनी में करते थे। इस कारण उसे चंद का उपाधि मिल गया, इस कारण उसे मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना गया। दोस्तों 74 वर्ष की उम्र में इसकी निधन हो गया 1979 में। 74 वर्ष की उम्र में 1979 में 3 दिसंबर को इसकी मृत्यु हो गई। इसका निधन होने का मुख्य कारण था लीवर कैंसर। इसका जो लीवर है वो कैंसर से ग्रसित था, इस कारण इसकी मृत्यु हो गई। इनको पूरे लाइफ में पद्म भूषण, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन अवार्ड से इसे नवाजा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पास एक ऑप्शन दिया है 10 अगस्त। दोस्तों 10 अगस्त को पिछले वीडियो में बताया था इस दिन क्या मनाया जाता है, बायोफ्यूल डे। और साथ ही साथ इसमें दिया है 12 अगस्त। 12 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे। दोस्तों यूथ डे दो प्रकार का मनाया जाता है, एक इंटरनेशनल है दूसरा नेशनल है। नेशनल जो है 12 फरवरी को मनाया जाता है। 12 फरवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, इस कारण उसकी याद में भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पास है 19 अगस्त। 19 अगस्त को मैं बताया था विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है, और साथ ही इस दिन रहता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। तो इतनी जानकारी इस प्रश्न से हमें मिल जाती है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही भारत ने विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन ए 300 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर किया है। ये हस्ताक्षर इसलिए किया गया है क्योंकि भारत की ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए ये ऋण लिया जा रहा है। कहाँ से लिया जा रहा है? विश्व बैंक से लिया जा रहा है। तो इस तरह इसमें शब्द आया है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। जैसे ही दोस्तों वर्ल्ड वॉर टू द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे देश थे जिनकी पैसा कम हो गया था, तो उसको यहाँ से ऋण के रूप में पैसा प्राप्त उपलब्ध कराने के लिए ही ये बैंक का निर्माण किया गया था। तो इसकी स्थापना हुई थी वॉशिंगटन DC में, तो अर्थात ये अमेरिका में। इसके वर्तमान में प्रमुख है किंग जोंग विंग। तो इतनी जानकारी हमें पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में पहले सार्क कृषि सहकारी व्यापार फोरम की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये हुई है काठमांडू में। दोस्तों ये काठमांडू है, नेपाल की राजधानी।
नेपाल की राजधानी में ये पहला सार्क कृषि व्यापारी सहकारी व्यापार फोरम की शुरुआत हुई है, वो भी काठमांडू में। तो दोस्तों इसमें शब्द आ गया सार्क, तो सार्क में कुल मिला के 8 देश शामिल है, सार्क में 8 देश शामिल है, वो कौन कौन से हैं? तो पहले जान लेते हैं कि सार्क क्या है। तो इसमें सार्क होता है SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, तो इसका ये पूरा नाम है दोस्तों, ये आप सभी को पता होना चाहिए। इसमें कुल 8 देश हैं और इसकी स्थापना हुई है 1985 में, सार्क की स्थापना हुई है 1985 में। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका ये हुआ था बांग्लादेश में, बांग्लादेश का हेड जो राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना हुई है, लेकिन अभी वर्तमान में ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है, इसका मुख्यालय। इसमें 8 देश हैं, 8 देश कौन कौन सा है उसको जान लेते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इस तरह 8 देश इस सार्क के सदस्य हैं। तो अगला प्रश्न इससे देख लेते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए नई विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किसने किया है? तो हाल ही में प्रौद्योगिकी परिषद का गठन केंद्र सरकार ने लिया है। तो दोस्तों ये गठन किया गया है ताकि वो प्रधानमंत्री को सलाह दे सके, किससे संबंधित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंधित अपना सलाह दे सके। तो ये जो कमेटी बनी है वो है 21 सदस्यीय है, जिसमें से एक जो है वो प्रमुख है, बाकी 20 क्या है, अन्य सदस्य हैं। जो प्रमुख है उसका नाम है विजय राघवन, विजय राघवन इसके मुख्य सदस्य हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में राजस्थान ने विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ IBRD ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो है 250 मिलियन डॉलर पर, अमेरिकी डॉलर पर IBRD से समझौता किया। तो ये राजस्थान ने क्यों किया है समझौता, क्योंकि राजस्थान में 24x7 पूरे 24 घंटे सप्ताह के सातों दिन बिजली प्राप्त करने के लिए यह समझौता किया है। तो इसमें कितने का किया है, 250 मिलियन डॉलर। तो इसमें शब्द आया है IBRD, तो इसमें क्या होता है, IBRD का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आप इसे नोट कर सकते हैं दोस्तों। इसमें आया है राजस्थान, तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, यहाँ के CM है वसुंधरा राजे, यहाँ के वर्तमान गवर्नर है कल्याण सिंह, यहाँ की लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 और यहाँ पास विधानसभा की 200 सीटें यहाँ पास उपलब्ध है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2019 किसने लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है हमारे HMRD मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, जो आप देख रहे हैं ये है प्रकाश जावड़ेकर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में नवलेखा प्रोजेक्टर किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में नवलेखा प्रोजेक्टर अमेजोन, फेसबुक, गूगल, इनमें से कोई नहीं, तो गूगल ने नवलेखा प्रोजेक्टर को लॉन्च किया है, इसका ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों यहाँ पास आया है नवलेखा प्रोजेक्टर, नवलेखा प्रोजेक्टर क्या होता है, तो भारत में जितनी भी भाषाएँ होती है, भारत में जितनी भी भाषाएँ बोली जाती है, जैसे क्या है, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, बंगाली, तो इन सब का जो भाषा है उसको अगर कोई PDF फाइल है, उसकी क्या है, PDF फाइल है, तो उसको क्या करता है, जैसे उसको स्कैन करके पूरा टेक्स्ट फॉर्म में उसे ला देगा, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज में लिखा हो, भारतीय भाषा की कोई भी 22 भाषाओं में कोई भी भाषा में लिखा हो, उसको वो अपनी इंग्लिश में और हिंदी के मेन भाषा में परिवर्तित कर देता है, इसलिए नौलखा ने अपना ये नया प्रोजेक्टर लॉन्च किया है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में रुचि घनश्याम ने किस देश में अपना नई उच्चायुक्त बनी है, भारत की नई उच्चायुक्त बनी है, तो वो ब्रिटेन के मतलब नई उच्चायुक्त के रूप में अपना नियुक्ति हुई है। तो यहाँ पास आया ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ब्रिटेन को इंग्लैंड के नाम से भी
जाना जाता है। आप देख रहे हैं ये जो पिक, यही है रुचि घनश्याम। तो यहाँ पास है ब्रिटेन। ब्रिटेन को क्या नाम से जाना जाता है? इंग्लैंड, साथ ही साथ यूके, यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पास यूनाइटेड किंगडम है, देखो ऊपर में है आइसलैंड, साइड में है डेनमार्क, इस तरह है नीचे में है जर्मनी, इस तरह इसका लोकेशन आप देखते रहोगे तो मैप को दिमाग में रखने में ज़्यादा आसानी होगी। हमारा जो देश था इसी का उपनिवेश देश था भारत। तो यहाँ पास हम जान लेते हैं ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, यहाँ की करेंसी चलती है पाउंड स्टर्लिंग, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं करंट के थेरेसा मेन। तो इस तरह हमें इस इंग्लैंड के बारे में पता चल जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य ने मलेरिया मुक्त होने के लिए अमेरिका की एजेंसी अमेरिका सॉरी एजेंसी मलेरिया नो मोर के नाम के साथ समझौता किया है? मलेरिया नो मोर के साथ समझौता किया है तो वो है उड़ीसा। उड़ीसा अपने राज्य को मलेरिया से मुक्त कराने के लिए अमेरिका से ही समझौता किया है, मलेरिया नो मोर के नाम से समझौता किया है। तो इसमें आया है उड़ीसा। तो उड़ीसा के बारे में जब भी आता है मैं बताता हूँ, वहाँ पास एक द्वीप है विलर द्वीप। विलर द्वीप जिसका नाम बदल कर क्या रखा जाता है? रखा गया है APJ अब्दुल कलाम रखा गया है। तो यहाँ के अभी वर्तमान इसका जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। यहाँ के अभी करेंट के CM है नवीन पटनायक, और साथ ही साथ यहाँ के वर्तमान गवर्नर है घनश्याम लाल। इस तरह यहाँ की लोकसभा की 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147 सीटें यहाँ पास मौजूद है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में एशियन गेम 2018 में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस में टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने अभी जीता है कांस्य पदक। ऑप्शन सी है कांस्य पदक। तो यह है साउथ कोरिया की टीम को हराकर हमारे भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है, वो भी एशियाई गेम 2018। एशियाई गेम 2018 के बारे में मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ दोस्तों। ये कौन सा नंबर के एशियाई गेम है? 18वां नंबर के, और कहाँ हो रहा है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और एक बड़ी शहर पोलन बैग। तो इस तरह इसे इंडोनेशिया का जकार्ता पोलन बैग 2018 के गेम से भी जाना जा रहा है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किस बैंक ने अपनी ब्रांच का नाम और IFSC कोड बदला हुआ है? तो वो है SBI। SBI जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना बैंक का ब्रांच का नाम और साथ ही साथ वहाँ के IFSC कोड को बदला हुआ है। तो यहाँ पास जान लेते हैं स्टेट बैंक का ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई है 1955 में और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। साथ ही साथ इसके वर्तमान चेयरमैन हैं रजनीश कुमार। रजनीश कुमार जी हैं इसके वर्तमान चेयर। इसकी स्थापना हुई है 1955, मुख्यालय मुंबई, वर्तमान चेयरमैन रजनीश। इस तरह से बार बार दोहराओगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में एशियन गेम 2018 में पुरुषों की 800 मीटर स्पर्धा में मनजीत ने कौन सा पदक जीता है? तो मनजीत ने स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों इन्होंने 800 मीटर में जो स्पर्धा होती है उस दौड़ में उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। जो आप देख रहे हैं यही है मनजीत, जिन्होंने हमें एशिया गेम 2018 में स्वर्ण पदक दिलाया है। तो इस तरह हमारा ये वीडियो पूरा होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगता है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। ये हमारा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, फेस ग्रुप में, इंस्टाग्राम में। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें, और साथ जैसे ही सब्सक्राइब करोगे नोटिफिकेशन बेल का आइकन आएगा, इसे आप क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप तुरंत ही वॉच कर सकें और अपना ज्ञान बढ़ा सकें। तो दोस्तों ये मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।